सो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की स्टूडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका मोबाइल 4G है तो उसमें 3G और 2G वाले सिग्नल आ रहे हैं, आपके नेट की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल 4G वाली स्पीड नहीं दे रहा। तो बाज़ का दोस्तों क्या होता है कि आप नेट चलाते हैं लेकिन उसमें 4G की जगह एच प्लस नज़र आता है आपको, जिसकी वजह से आपका मोबाइल बहुत कम स्पीड में दोस्तों नेटवर्क यूज़ करता है। तो ऐसी प्रॉब्लम है दोस्तों, अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है कि आपका जो मोबाइल है वो अगर तो 3G है फिर तो वो 3G वाले ही सिग्नल देगा। अगर दोस्तों आपका मोबाइल 4G है लेकिन उसमें एच प्लस या 2G दोस्तों उसमें सेटिंग हुई है, जिसकी वजह से आपका जो मोबाइल है वो 4G सपोर्ट उसमें नहीं होती, सिग्नल नहीं आ रहे, आपका नेट बहुत ज़्यादा स्लो है, तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच पहले। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक, तो लाइक कैसे करें दोस्तों, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन के ऊपर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपने अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपने अपना नेटवर्क जो है डेटा वाला उसको रीसेट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने रीसेट वाले ऑप्शन को क्लिक करना, तो यहाँ पे मेरा सिस्टम में पड़ा है, तो यहाँ पे अब आ जाएगा रीसेट ऑप्शन, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों आप देख सकते हो कि रीसेट वाला ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपने रीसेट सेटिंग के ऊपर जाना है, यहाँ पर अपना लॉक अनलॉक करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर रीसेट सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। मोबाइल के में सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप अपने जो डेटा की सेटिंग है उसको कर लेंगे ओपन। ओपन करने के बाद हमारे पास ये दोस्तों डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। आपने अपने मोबाइल में जाना है, जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपका जो नेटवर्क है वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना। सिंपल दोस्तों, बहुत आसान तरीका है, वो आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर ई ही आ रहा है अभी सिग्नल, एच प्लस भी नहीं आ रहा, और दोस्तों यहाँ पर अकेला जी आएगा या ई आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेरा जो मोबाइल है वो 4G सपोर्टेड है लेकिन उसमें 4G सिग्नल नहीं आ रहा। सिंपल दोस्तों, मैं जिस नंबर के ऊपर, जिस सिम के ऊपर दोस्तों मैं अपना डेटा चलाना चाहता हूँ उसकी मैं यहाँ पे सेटिंग कर लेता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे 2G सिलेक्ट है, जिसकी वजह से दोस्तों मेरा जो नेट है वो 2G स्पीड दे रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आ चुके हैं। नंबर 1 के ऊपर दोस्तों आ चुका है 4G और 3G, 3G दोनों मेरे पास सेलेक्ट नहीं है लेकिन दोस्तों मेरे पास सेलेक्ट है 2G, जिसकी वजह से मेरे ई प्लस आ रहे हैं। और यहाँ पे अब मैं 3G सेटिंग इसकी कर लेता हूँ। अब आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि सिग्नल बिल्कुल चले गए हैं, अब आ चुका है एच प्लस, तो एच प्लस दोस्तों 3G आ रहा है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर दोबारा सेलेक्ट उसको करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कर लेंगे इसको 4G। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे पास यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके के साथ, कुछ नहीं मैंने किया, सिंपल मोबाइल सिम की सेटिंग की है और यहाँ पर मेरे पास 4G सिग्नल यहाँ पे आ चुके हैं आपके सामने बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो। दोबारा आपको मैं सेटिंग दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसमें जाएंगे और ये हमारे पास ये सेटिंग ओपन होके आ। तो जी फ्रेंड, आई होप के वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप किसी भी टॉपिक के लिए आप हमें उसमें सवाल पूछ सकते हैं, उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, या आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर SMS कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में और छोटे के साथ, अब तक के लिए।